कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा एक बार फिर अपना कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर आ रहे हैं। इस शो को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। कपिल के शो में लंबे समय के बाद सुनील ग्रोवर भी वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा शो में कीकु शारदा, कृष्णा अभिषेक, राजीव ठाकुर और अर्चना पूरन सिंह भी शामिल है। वहीं जो सालों से छोटे पर्दे पर नहीं हुआ वो अब ओटीटी पर होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो की। सालों से कपिल का शो टीवी पर ऑन एयर हो रहा था, लेकिन इस बार इस शो ने अपना अड्डा बदल लिया है। अब टीवी पर ना आकर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। अब इस शो को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि शो में इस बार सुपरस्टार आमिर खान मेहमान बनकर आने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। दर्शकों और शो के होस्ट कपिल शर्मा की ये सालों पुरानी ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही है। कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो आने वाली 30 मार्च से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुरू होने जा रहा है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक इस शो के पहले मेहमान बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान होंगे, जो कपिल के अलावा उनकी पूरी टीम के साथ ढेर सारी मस्ती करते नजर आएंगे। बता दें, ये इतने सालों में पहली बार होगा जब आमिर खान कपिल के शो का हिस्सा बनेंगे। बीते साल एक इवेंट में आमिर से कपिल के शो को लेकर सवाल किया गया था, कभी कपिल के शो में क्यों नहीं गए। इस पर आमिर ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कभी बुलाया ही नहीं गया, जबकि कपिल ने खुलासा किया था कि उन्होंने 3 बार आमिर खान को न्योता दिया था। इस पर आमिर ने वादा करते हुए कहा था, मैं 100% आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप मुझे मेरी फिल्म कोई रिलीज के टाइम बुलाते हैं, मुझे रिलीज के लिए नहीं आना, मुझे ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए बुलाओ। हालांकि अब वो वक्त आ ही गया है। कपिल ने शो और नेटफ्लिक्स में कदम रखने को लेकर अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रशंसकों का मनोरंजन करने का वादा करते हुए अपने फैंस को आश्वस्त किया है कि उनका घर बदल गया है, लेकिन उनका परिवार नहीं बदला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वुल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।